हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब तो ये देखें जहाँ से वीडियो जी कहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये हमारा ड्राइवे है तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि न्यूयॉर्क में जो ड्राइवे है आप उसका साइज़ देखें कि मुश्किल से इसके अंदर ना एक गाड़ी ही पूरी आती है और यहाँ पे जो घरों की प्राइसेस हैं अगर आप लोगों को उस पर भी मैं एक व्लॉग बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि न्यूयॉर्क में लोगों के घर कैसे हैं यहाँ पर रेंट कितना है यहाँ पर लोगों के घरों की प्राइस क्या हैं और साथ हमारे घर आज बनने जा रहा है ये देखें मज़ेदार चाइनीज़ तो मैं आप लोगों को इस मज़ेदार मंगोलियन चिकन की रेसिपी भी दूंगी और साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ऑटम स्टार्ट हो गया है तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ का वेदर कैसा है बहुत अच्छा था आज वेदर सेवेंटी फाइव फ़ॉरन हाइट था जो कि पाकिस्तान का मेरा ख्याल है ट्वेंटी फाइव डिग्री बनता होगा यहाँ पर फ़ारेन हाइट चलता है और ये पीछे मैं बैक यार्ड के आप लोगों को दिखा रही थी तो चलें जी चाइनीज स्टार्ट करते हैं उसकी मैंने तैयारी कर ली थी आपने चिकन को पहले स्ट्रिप्स में काट लेना है बिल्कुल एक जैसे स्लाइसिस में ठीक है उसके बाद एक अंडा ले कर वो इसमें तोड़ लेना है और उसके बाद इसमें मैंने ये दो से तीन चम्मच जो थे वो कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस मेरे पास लाइट सोया सॉस थी अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है सॉल्ट ऐड हो गया उसके बाद हम मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी हाफ टी स्पून और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है तो ये हमारा जी ये मैं जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हर एक हो होता है कि वीडियो को शॉर्ट किया करें तो फिर अब चाइनीज पर तो टाइम लगता है लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसको मैं शॉर्ट करूँ और यह सब्जियाँ जो थी मैंने दो शिमला मिर्च ली थी और एक प्याज़ लिया था तो शिमला मिर्च जो आपने थिनली स्लाइस काट लेना है ये है जिंजर गार्लिक और स्प्रिंग अनियन हरा प्याज इसको बोलते हैं ठीक है उसको भी आपने इस शेप में आ, कर लेना है और साथ में इसमें बना रही हूँ गार्लिक राइस क्योंकि चिकन मंगोलियन चिकन के साथ गार्लिक राइस अच्छे लगता है तो ये पानी बॉयल हो गया था इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है इनके अंदर साथ मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं और इधर जी ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया था और इधर चावल बॉयल हो रहे थे और आपने चिकन को जब फ्राई करना है ना आपने एक एक चिकन को अलग से उठा कर स्ट्रिप्स में ही उसको फ्राई करना है ताकि उसकी शेप ना ख़राब हो दूसरी तरफ मैंने कहा टाइम को बचाते हैं तो दूसरी तरफ मैंने अंडा एक फेंटा था और गार्लिक राइस तैयार करने के लिए ये फटाफट से उसको स्क्रैम्बल एग बना लेना आपने और साथ ही इसके अंदर में उसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसको अंडे को निकाल के इसी पैन के अंदर आपने जो है वो अपने राइस रेडी करने हैं तो जो फ्रेश गार्लिक कटा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वही ऑयल जो पहले से था इसके अंदर अंडे वाला तो ये इसमें फ्रेश गार्लिक और थोड़ा सा मैं फ्रेश जिंजर ऐड करूँगी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको आपने इतनी देर तक कुक करना है कि गार्लिक जो है ना वो ब्राउन हो जाए और गार्लिक की बहुत अच्छी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी ये हो गया गार्लिक ब्राउन अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन हरा प्याज तो मैंने सुना है पाकिस्तान में भी बहुत महंगा हो गया हरा प्याज तो यहाँ पे प्राइसेस यहाँ पे भी हाई हुई हैं लेकिन मुझे एक्जैक्टली नहीं पता यहाँ पे क्या है ये मैंने इसमें ऐड किया सोया सॉस टू टेबल स्पून और आप मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस कमेंट करके बताया करें आपको किस तरह की रेसिपी चाहिए आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं ताकि मुझे भी आइडिया हो और उस हिसाब से मैं आप लोगों की चॉइस के मुताबिक बनाऊँ और ये इसके अंदर मैंने जो बॉयल किए हुए चावल थे वो ऐड कर दिए और ये स्क्रैम्बल एग भी ऐड कर दिया बस ये इसको झटपट से आपने मिक्स करना है तो ये आपके गार्लिक राइस रेडी है और इनका बहुत मज़े का टेस्ट बना था गार्लिक राइस का वो फ्रेश आ, गार्लिक और अदरक की वजह से ये जी हमारे गार्लिक राइस रेडी हो गए दूसरी तरफ चिकन भी जो था वो सारा मैंने इसी तरफ फ्राई करके रख लिया था अब आ जाती है मंगोलियन चिकन के सॉस की तैयारी तो उसके अंदर हम पैन लेंगे पैन के अंदर ऑयल गर्म करेंगे उसके अंदर फ्रेश गार्लिक और फ्रेश जिंजर ऐड करेंगे और साथ ही मैंने जो था स्प्रिंग अनियन वो ऐड कर दिया इसको आपने इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए कलर उसका ग्रीन अनियन का आपने नहीं ख़राब करना सिर्फ इसको सौते कर लेना है और गार्लिक को पकाना है उसके बाद इस मंगोलियन चिकन की मेन इंग्रेडिएंट ऑस्टर सॉस वो मैं एक कप ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और उसके बाद मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था और तीन चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड की थी उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ये थोड़ा सॉल्टी और स्वीट सा होता है बहुत मज़े का बनता है आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है बहुत मज़े की बनती है ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ और उस उसमें जाएगी क्रश्ड रेड पेपर अगर आप लोगों को थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाना है तो आप इसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की थी आप वन टेबल स्पून भी कर सकते हैं और ये थोड़ा मीठा होता है इसमें मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं और अगर वाइट नहीं है तो आप उसकी जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं शक्कर आपको ब्राउन शुगर की का ही काम देगी उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे कि जितनी सी आपको ग्रेवी चाहिए ठीक है जब इसको अच्छे तरीके से ये गर्म हो जाएगा तो आपने इसकी ग्रेवी रेडी करने के लिए अपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है इसको थिक करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करें आपको कैसी लगी है वीडियो और अगर आप चाहते हैं कि कोई इसमें थोड़ी आपको लगता है किसी चीज़ की कमी है तो मुझे बताएं मैं ज़रूर उसको ठीक करूँगी क्योंकि इंसान चीज़ें कर कर के ही सीखता है तो ये इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है इसको ठीक करने के लिए तो ये देखिए ठीक हो गया अब इसके अंदर जो हमारा फ्राइड किया हुआ चिकन था हम वो ऐड करेंगे और एक आपको चाइ चाइनीज़ की एक चीज़ बता दूँ आपने जो वेजिटेबल्स हैं ना वो बिल्कुल एंड पे ऐड करनी है और इसको जैसी वेजिटेबल्स आपने ऐड करनी है आपने इसको दो से तीन दफ़ा हाई फ्लेम पे पकाना है तेज़ आंच पे ठीक है कि बस मिक्स हो जाए दैट्स इट आपने इसको छोड़ देना है और उतार देना है क्योंकि आपने ना तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा कुक करनी है ना उसका क्रंच खत्म करना है तो ये मज़ेदार सा हमारा कलरफुल सा आप देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है कि मुँह में पानी आ रहा है इसको खा लें अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको डिश आउट कैसे करना है किसी अच्छे फाइव स्टार होटल की तरह तो ये मैंने एंड पर स्प्रिंग अनियन भी ऐड किया था एक ट्रे लेनी है उसके अंदर आपने एक कप में चावल उसको अच्छे तरीके से दबा के ऐसे उल्टा लेना है और ये ऊपर मैंने स्प्रिंग अनियन लगा दिया था अब हम इसकी दूसरी साइड पर जो है अपना चिकन ऐड कर देंगे खाना अगर अच्छे तरीके से प्रजेंट किया हो क्योंकि सबसे पहले खाने वाले ने देखने खाने क्योंकि खाना देखने में कैसा है खाने की बारी तो बाद में आती है तो जो भी ये मैं मस्ट शेफ़ वगैरह देखती हूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने के शोज़ तो उस पर आपको डिफ़रेंट चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं कि आपने खाने को कैसे प्रजेंट करना है किसी भी चीज़ को तो अगर खाना देखने में अच्छा लगेगा तो उसके बाद जब खाएँगे तो आपको और मज़ा आएगा तो ये देखें आप इस तरह किसी को भी सर्व करके दें तो उसको खाने का भी मज़ा आएगा और वाकई ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा था आपको रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त हाफिज़